हेलो स्टूडेंट, फॉरएवर क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का मेरा सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में 5 यूनिट हैं और सभी यूनिट में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं उसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। अब यूनिट फर्स्ट का जो पहला चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि समांतर श्रेणी क्या होती है, उसकी डिफिनीशन। उसमें पद डिफाइन होता है, पहला पद, दूसरा पद, इसी तरीके से यन्मा पद, और उनका बीच, उनके बीच पदों के बीच जो अंतर होता है उसको सार्वांतर कहते हैं। तो समांतर श्रेणी में आपका जो पहला पद होता है, पहला पद, उसको ए से डिनोट करते हैं, दूसरे पद को ए प्लस डी से डिनोट करते हैं, तीसरा पद जो होता है ए प्लस टू डी से डिनोट करते हैं, इसी तरीके से अगर आप यनवा पद करोगे तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तीसरा पद है तो इससे एक कम दूसरा पद, तो यनवा पद है तो इससे एक कम एन माइनस वन। यनवे पद को हम टी यन से भी डिनोट करते हैं और ए यन से भी डिनोट किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने आपको यहाँ तक डिफाइन किया था और समांतर श्रेणी किस रूप में लिखा जाता है सामान्य रूप हमने डिफाइन किया था। अब हम समांतर श्रेणी पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। जो फर्स्ट, अगर आप कोई भी क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि वो समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए आपको मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन है 9, 14, 19 इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, आपको बोला गया है 16वां पद का मान बताइए या फिर ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि दो क्रमागत पदों का अंतर अगर समान आता है तब ये समांतर श्रेणी होगा। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो फिर अगर समांतर श्रेणी होगा तो उसका फार्मूला हम लगा के आप इसका मान निकाल सकते हो। तो किसी भी समांतर श्रेणी को चेक करने के लिए जो डी दो पदों का जो अंतर आता है वो समान होना चाहिए। जैसे अब हमने आपको बताया यनवे पद को टी एन से लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यनवा पद, तो यहाँ पे नीचे यन लिखा गया है तो पहला पद को किससे लिखेंगे, पहला पद ए को लिखते हैं अगर इसको जनरल फॉर्म टी वन करेंगे, ठीक। तो दूसरा पद यनवा पद टी एन है तो यन के स्थान पे आप एन के स्थान पे वन रखोगे तो टी वन हो जाएगा, अगर एन के स्थान पे टू रखते हो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपका टी टू, ठीक। और वैसे दूसरा पद होता क्या है, ए प्लस डी होता है, तो जो सर्वांतर होता है वो कैसे निकाला जाता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, सार्व अंतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक। तो अगर टी के फॉर्म में लिखे तो टी टू माइनस टी वन, इसी तरीके से तीसरा पद माइनस दूसरा पद भी सर्वांतर कहलाता है, तो जो सर्वांतर हो जाएगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो आप कह सकते हो टी थ्री माइनस टी टू, ये दोनों सर्वांतर के बराबर है। तो आप बोल सकते हो कि जो आपको सर्वांतर का मतलब कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं उसको चेक करने के लिए अगर हम टी टू माइनस टी वन बराबर टी थ्री माइनस टी टू ये चेक करते हैं, अगर दोनों मान बराबर आता है तो मतलब दिया गया श्रेणी आपका समांतर श्रेणी है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसका पहला पद टी वन बराबर नाइन, इसको पहले पद को ए से भी लिखा जाता है
दूसरा पद T2 बराबर 14, तीसरा पद T3 बराबर 19। अब हम ये चेक करते हैं कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। इसमें मान रखते हैं, T2 का मान रख दीजिए 14 माइनस T1 का मान 9, और ये 19 माइनस 14। इसको आप सब्सट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, इसमें से आप घटाओगे तो क्या आएगा आपका 5, और इसमें से घटाओगे 5, इसका मान और इसका मान दोनों मान देखिए यहाँ पे बराबर आ रहा है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। आप एग्जाम में आ जाओ तो इसको कॉपी पे भी कर सकते हो, या फिर रफ पेज पर इस चीज को आप चेक कर सकते हो। इस तरीके से आपको ये पता चल गया कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अब इस श्रेणी का 16वां पद निकालना है। चेक करने के बाद हम क्या करते हैं, देखिए कोई भी क्वेश्चन सबसे पहले दिया गया होता है तो हम ये चेक करते हैं कि उस क्वेश्चन में किसका मान दिया गया है और किसका मान निकालना है। इस चीज को चेक करने से आप ये समझ जाओगे कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि इस क्वेश्चन में ये फार्मूला क्यों यूज किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप ये कोई भी क्वेश्चन दिया रहे, आप सबसे पहले उसमें ये डिफाइन करो कि क्या दिया गया है। तो इसका जो प्रथम पद है, प्रथम पद को ए से लिखा जाता है, वो क्या है 9, और आप डी निकालोगे तो डी 14 माइनस 9 किया तो डी का मान 5 आ गया। ए आपको पता है, डी आपको पता है, 16वां पद निकालना है, यनवां पद, मतलब यन बराबर 16, इतना आपको दिया गया है 16वां पद। तो 16वां पद निकालने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है 16वां पद, वो किस फार्मूले से मैच कर रहा है आपका, यनवां पद, यनवां पद, ठीक। आप उसको कैसे लिखते हो, टी एन लिखते हो, फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक। आपको ये पता चले क्या निकालना है, 16वां पद निकालना है, टी 16 ये आपको निकालना है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया रहे तो पहले आप उस क्वेश्चन को देखकर ये डिफाइन करो क्या क्या दिया गया है और क्या निकालना है। जैसे ही आप ये पता कर लोगे क्वेश्चन को देखकर कि क्या निकालना है, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि इसमें ये फार्मूला क्यों यूज किया गया है। तो हमने देखा 16वां पद निकालना है, मतलब यनवां पद इसमें फार्मूला लगेगा। यहाँ पे आप सारे वैल्यू को आप रख दीजिए, एन के स्थान पर 16 रख दीजिए, 16 यहाँ पे नीचे n लिखा गया तो हमने 16 लिख दिया, बराबर a बराबर क्या है 9, तो a के नीचे आप 9 लिख दो, प्लस n मतलब 16 माइनस 1 इंटू डी का मान 5, तो ये हो जाएगा आपका टी 16 बराबर 9 प्लस 15 इंटू 5, ये हो जाएगा 9 प्लस 75, ये हो जाएगा आपका 84। अतः इस श्रेणी का जो 16वां पद होगा वो 84 होगा, अतः 16वां पद बराबर 84, ठीक। तो इस तरीके से स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि वो समांतर श्रेणी है कि नहीं है। वो इसलिए चेक करोगे, अगर समांतर श्रेणी नहीं होगा, अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर लोगे तो वो फार्मूला, डायरेक्ट आप फार्मूला अप्लाई करोगे, वो फार्मूला उस पर अप्लाई होगा ही, मतलब सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो सबसे पहले आप चेक करो समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, अगर समांतर श्रेणी में है तो आप समांतर श्रेणी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चेक करने के लिए सबसे पहले आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, अगर समांतर श्रेणी में है तो फिर जो क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया पहले उसको लिख लेंगे इस तरीके से, फिर क्या निकालना है इस तरीके से, जो निकालना रहता है उसी बेस पर आप सोचोगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। 16वां पद मतलब यनवां पद, यन के स्थान पर 16,
फिर बाकी आप ये फार्मूला करके सलोमा पद का मान निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, फोर जीरो माइनस फोर माइनस एट श्रेणी का 21वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए जस्ट हमने जो क्वेश्चन कराया है सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, ये आप अब खुद से करके ट्राई कर सकते, जैसे अभी हमने ये प्रोसेस बताया सेम प्रोसेस आप इसे अप्लाई करके उस प्रोसेस को आप सीख सकते हो, कर सकते हो। फिर देखिए हमने सबसे पहले क्या बताया था, कोई भी क्वेश्चन दिया रहे तो आप पहले चेक करोगे वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। इस फार्मूला का यूज करके हम देखते हैं समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। पहले इसमें हम देखते हैं T1 मतलब पहला पद A, या फिर आप T1 बराबर ये लिख दो 4, T2 बराबर 0, T3 बराबर आपका माइनस 4। तो हम इसे चेक करते हैं, इस फार्मूले से चेक करते हैं बराबर है कि नहीं। T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। चेक कर आप यहीं पे डायरेक्ट फार्मूला लिख लो ना, ऐसे लिखने के बाद जो मान जहां पर है वो रख दो, T2 के स्थान पे 0 रख दो, माइनस T1 के स्थान पे 4, T3 आपका माइनस 4 और T2 का मान 0। ठीक, 0 में से माइनस 4 करोगे माइनस 4 माइनस 4, ये बराबर आ गया। इसका मतलब दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अब हम क्या करते हैं, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो हमने क्या बताया कि पहले आप क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया गया और क्या निकालना है। इतना करने के बाद अब जो दिया गया है क्वेश्चन में हम उसको लिखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहला पद जो कि ए से लिखा जाता है, ए बराबर 4, सर्वांतर आपका डी से व्यक्त करते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद 0 माइनस 4 बराबर माइनस 4। ठीक, अब आपको श्रेणी का 21वां पद यनवां पद मतलब यन का मान 21 दिया गया है, 21वां पद निकालना है मतलब T21 निकालना है। कौन सा पद, कौन सा यनवा पद, यन का मान 21, उस पद का मान क्या है, T21 का मान निकालना है। तो आप फॉर्मूला लिख दो TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये आपका हो जाएगा, N के स्थान पे रख दो T21, A का मान है आपका 4 प्लस N का मान है 21 माइनस 1 इंटू माइनस 4, ये हो जाएगा 4 प्लस 20 इंटू माइनस 4, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 80, आपका हो जाएगा 4 माइनस 80 मतलब माइनस 76। अतः जो 21वां पद है, 21वां पद बराबर माइनस 76। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। अब आपको कभी भी ये कन्फ्यूजन नहीं होगा, मैं पढ़ाती हूँ तो मैंने देखा है कि सब बच्चे यही कन्फ्यूज होते हैं कि मैम इसमें ये फार्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, ये फार्मूला क्यों यूज नहीं कर पा रहे हैं, इस फार्मूले को भी तो यूज कर सकते हैं, इसका भी तो प्रयोग कर सकते हैं। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप यही करो, जो जो दिया गया है उसका मान पहले लिख लो, क्या निकालना है अगर आप ये फाइंड आउट कर लेते हो, पता कर लेते हो तो क्या निकालना है, अब उसको निकालने के लिए कौन सा फार्मूला को आप थिंक करो, सोचो, तो आप पता कर लोगे कि कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा। इस तरीके से मैंने दो क्वेश्चन सॉल्व किया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि समांतर श्रेणी 26, 31, 36 का कौन सा पद,
कौन सा पद 216 है। तो इसमें आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है, इससे पहले ही बोल दिया गया कि यह समांतर श्रेणी है, तो अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप ये देखो कि इसमें क्या दिया गया है और क्या निकालना है। तो सबसे पहले इसका पहला पद दिया गया है 26, इस समांतर श्रेणी का पहला पद 26। अगर आप डी निकालोगे तो डी को क्या करें, दूसरे में से पहले वाले को घटा देते हैं, 31 माइनस 26, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5। फिर अब देखिए कौन सा पद, मतलब कौन सा पद, यनवा पद होता है ना, यनवा पद, कौन सा पद, यन के स्थान पे कौन वर्ड आ रहा है, यहां पे हम ऐसे लिखते हैं यनवा पद, कौन सा पद, यन कौन, मतलब यन का मान पूछ रहा है, ठीक, एन बराबर क्वेश्चन मार्क, और यनवे पद का मान 216 है, मतलब टी यन का मान 216, इसमें मान दे दिया गया है, यन का मान पूछा है, कौन सा पद 216 है, आंसर आपको दिया गया है, उस पद का मान दिया गया, पद पूछ रहा है कौन सा पद होगा, तो यन का मान आपको निकालना है, तो यनवा पद का फॉर्मूला लगा दीजिए, यनवा पद टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन का मान, अब जो आपने फॉर्मूला लिख लिया तो जो मान दिया गया उसके स्थान पे वो मान रख दीजिए, जो नहीं दिया गया उसके स्थान पे वही लिख दीजिए, टी एन का मान 216 दिया गया, हमने इसके स्थान पे 216 लिख दिया, ए का मान 26 दिया गया है, फिर एन का मान आपको नहीं पता है तो वैसे ही लिख दीजिए, और डी का मान आपका 5 है, जो मान हमने दिया गया था यहाँ पे लिख दिया। अब ये देखिए 216 यहाँ पे ये प्लस में है तो आप इसको पक्षांतर करोगे, इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये 26 हो जाएगा, और आपका बस ये बचेगा एन माइनस वन इंटू 5, आप इसमें से घटाओगे 16 और 10 उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 196। ठीक, 196 आ गया, और ये हो गया आपका n माइनस वन इंटू 5, सॉरी 216 में से 26 करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 190 आएगा, सॉरी 190 आ गया। अब देखिए ये बराबर है, बराबर के बाद में ये मल्टीप्लाई का गुणा है, जब इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये इधर आएगा, ठीक, तो मतलब आप 190 लिखोगे, 5 उधर मल्टीप्लाई में है, बराबर को उधर, हम बराबर के इधर ला रहे हैं तो ये डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पे आपका एन माइनस वन हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करोगे, 5 3 जा 15, फिर 4 बचा 5 8 जा 40, मतलब 38, 5 से आप 190 को भाग दोगे 38 आ जाएगा, n माइनस वन इधर हो गया, ये माइनस वन है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 38 प्लस 1 बराबर n, मतलब n बराबर 39, मतलब 39वां पद आपका 216 होगा। अतः श्रेणी का, अतः समांतर श्रेणी का 39वां पद का मान 216 होगा। इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन किया। अब आप इस तरीके का क्वेश्चन, अब आप बुक खोलिए, इस तरीके का जो जो भी क्वेश्चन होगा आप इसी प्रोसेस से करेंगे, आपका कंफ्यूजन जरूर क्लियर हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा। मैं समांतर श्रेणी के जितने भी फार्मूले हैं मैंने सोचा सबको एक साथ पहले आपको बता देती हूँ, लेकिन उससे आपको ये एक साथ सारे फार्मूले लिखने से आपको ये कन्फ्यूज हो जाएंगे, याद भी नहीं हो पाएगा। एक फार्मूला जैसे हमने यनवा पद का फार्मूला उस पर क्वेश्चन किया, आप जो फार्मूला लिख याद कर रहे हो देख रहे हो उस पर क्वेश्चन कर लो, फिर वो फार्मूला खुद ही याद हो जाता है। इस तरीके से हम एक एक फार्मूला बताएंगे समांतर श्रेणी में, उस पर क्वेश्चन किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, यनवा पद में इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। अब आप इस तरीके का क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स के थ्रू आपको क्वेश्चन बता दीजिएगा, हम उसका सलूशन यहाँ पे करवा देंगे। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में आपको कोई भी कमी दिखती है तो कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अब आगे हम अगले वीडियो में अगला फार्मूला बताएंगे और उस पर बेस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको वो सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू।